हम भारतीय हैं, हमें पसंद है एक स्कूटर में जो दे माइलेज, जो दे परफॉर्मेंस, जो पॉल्यूशन भी कम करे, मतलब ऑल इन ऑल सारी चीजें एक झोली में दे दे, तो भैया हम ऐसे इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या बताएं। अब होते भी हैं, मतलब पैसे दे रहे तो ऐसी सारी चीजें तो मिलनी चाहिए ना, बट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस है और इस वजह से हमें जो है शायद सारी चीजें एक पैकेज में नहीं मिलती है। ऐसे ही टाइम पे हमारे सामने आते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट, तो मैंने जो है ट्राई करने के लिए एक बोतल खरीद लिया। आप खरीदो और फिर ट्राई करो, उससे अच्छा है कि भैया मैं कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या मेरे ओपिनियन है ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में। जहां तक बात है पेट्रोल की, फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक पेट्रोल डीजल जब रिफाइनरी में होता है उसमें जो है क्लीनिंग पर्पसेस के लिए डिटर्जेंट्स डाले जाते हैं। वो डिटर्जेंट जो है बाद में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जब रिफाइनरी में ही होता है पेट्रोल कंपनीज के पास, तभी जो है साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स डाले जाते हैं। तो अलग से जो है हमें कभी डिटर्जेंट डालने की जरूरत पड़ती नहीं है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा रीजन होता है कि जो एडिटिव्स होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं। बेसिकली अगर मैं एक लेमन टर्म्स में बताऊं तो तीन मेन टाइप के जो है एडिटिव्स मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला होता है टोटल इंजन क्लीनर। एज एन एडिटिव जो है आपके डिफरेंट पेट्रोल इंजन के कॉम्पोनेंट्स को जो है वो साफ रखते हैं, तो चलो अच्छी बात है, मतलब ठीक है साफ रख रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब अगर मैं इस बॉटल की ही बात करता हूं तो इसमें भी जो है लिखा हुआ है कि ये इंजेक्टर क्लीनर है। अब इंजेक्टर क्लीनर क्या करता है कि आपके जो कार्स के या बाइक्स के इंजेक्टर्स हैं उसको क्लीन करता है, लेकिन मोस्टली जो बाइक्स हैं आज के डेट में वो कार्ब्यूरेटेड है, तो वहां पे जो है इंजेक्टर क्लीनर का डालना कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि आपके बाइक में कोई इंजेक्टर है नहीं। हाँ, कार में हो सकता है, बट बाइक में आप मत नहीं डालो, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं। मतलब अगर आपको बुखार नहीं है तो आप बुखार की दवाई नहीं खाओगे। तीसरा आता है ऑक्टेन बूस्टर। जहां तक ऑक्टेन बूस्टर्स की बात है, ये कहां काम आते हैं? देखो, आप सभी को मालूम है कि काफी सारे हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स जो होते हैं, चाहे मैं हाई परफॉर्मेंस बाइक की बात करूं या हाई परफॉर्मेंस कार्स की बात करूं, उसमें जो पेट्रोल यूज होता है वो हाई इन ऑक्टेन नंबर आना चाहिए। लेकिन ये जो पेट्रोल है ये सारे जगह वाइडली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पहला रीजन कि इस टाइप के पेट्रोल की डिमांड यूजुअली कम होती है, दूसरा इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होती है, मतलब आप जो है हाई परफॉर्मेंस कार में ही इनको डालोगे। मान लो आपके पास हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है और आपको जो है हाई ऑक्टेन नंबर वाली फ्यूल नहीं मिल रही है, तो आप ऑक्टेन बूस्टर यूज कर सकते हो। लेकिन ऑक्टेन बूस्टर्स की जहां तक बात है, तो ऑक्टेन बूस्टर्स वाले एडिटिव भी जो है वाइडली अवेलेबल नहीं है, मतलब आप किसी पेट्रोल स्टेशन में जाके शायद आपको नहीं मिले आपके घर के बगल वाले पेट्रोल स्टेशन में, बट आपको मिल जाएगा किसी परफॉर्मेंस स्टोर में या किसी स्पेशलाइज्ड स्टोर में, जहां पे जो है इस टाइप के गाड़ियों के साथ काम किए जाते हैं, तो वो जो है ऐसे एडिटिव्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्टेन बूस्टर्स अपने 100-150 सीसी या 200 सीसी के बाइक में या नॉर्मल अब हमारे जो हैचबैक कार्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से ऑक्टेन बूस्टर्स जो है एक उतनी ज्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है और उसका जो है रिक्वायरमेंट भी हमें नहीं पड़ता है। जो सबसे ज्यादा एडिटिव अवेलेबल है वो मोस्टली जो है दोस्तों क्लीनर टाइप के ही होते हैं। जहां तक बात है क्लीनर टाइप की, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए आप देखना कि बहुत सारी कंपनीज जो नहीं कहती, मतलब नहीं तो कंपनीज भी कहती ना कि यार आप एडिटिव डालो, वो नहीं कहते। आपने जो है खूब एडिटिव डाला, बट अगर आप उसको सही से नहीं चला रहे हो, अगर आप अपने ओवरऑल कार को मेंटेन नहीं रख रहे हो, कुछ भी कर लो, आपके कार जो है माइलेज अच्छी नहीं देगी। ये वैसी ही बात होगी कि मैं जो है रोज मतलब 3 घंटे जिम में स्पेंड कर रहा हूँ, बट मैं फिर बाद में जो है अपने डाइट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी सिक्स पैक्स क्यों नहीं आ रही। सेम सही जो है यहाँ पे भी लॉजिक है। मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि भाई अगर आप इसको डालोगे तो आपकी परफॉर्मेंस चकाचक हो जाएगी, तगड़ी माइलेज बन जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मोस्टली जो है नहीं पाया गया है कि अगर आपकी कार या बाइक मेंटेन्ड है, रेगुलर सर्विस पे जाती है, इंजन वगैरह जो है प्रॉपर्ली उसको क्लीन रखते हो, सब कुछ करते हो, उसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करते हो, पेट्रोल ढंग से डलवाते हो, राइडिंग सही करते हो, तो आपकी स्कूटर या कार जो है एनी वेज अच्छे तरीके से चलेगी, उसमें जो है स्मूथनेस बरकरार रहेगी, माइलेज भी जो आपके राइडिंग कंडीशंस एंड हैबिट्स से जो है मेंटेन रहेगी। इस कार्स पे मैंने यूज किया इसको, वो ऑलरेडी काफी मेंटेन्ड है, उसको जो है टाइमली सर्विस किया जाता है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का उसमें ख्याल रखा जाता है, ऐसे भी जो है अच्छे स्मूथ चलती है। तो मुझे जो है एज सच इसका बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पता चला, और मैं भी अभी 1-2 हफ्ते यूज किए, थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगा तो शायद मुझे कुछ दिख जाए, बट एज ऑफ नाउ मुझे जो ऐसा कुछ ओवर द टॉप जो है इसका परफॉर्मेंस नहीं समझ में आया। बेसिक यही है कि मेन कोर ऑब्जेक्टिव है भैया अपनी कार बाइक मेंटेन रखो, ढंग से चलाओ,
जो जैसी है वैसी रखोगे तो वो जो है आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लाइफ देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इकोनॉमी भी जो है ठीक ठाक रिटर्न कर देगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप में से कोई इस टाइप के एडिटिव्स को यूज करते हो तो आपको जो है इसका क्या परफॉर्मेंस दिखा। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट सीरियस एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट एंड ड्राइव। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।